जाता है कि हम मध्य प्रदेश के नागरिक हैं। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं मध्य प्रदेश से हूं। आज ही के दिन यानी 1 नवंबर 1956 को नए राज्य के रूप में मध्य प्रदेश की स्थापना हुई। सर्वप्रथम सभी को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। मैं कार्तिक, कक्षा 5वीं का छात्र, आज मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आपका थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा। भारत के हृदय में बसे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत, इसकी समरसता और प्रज्ञा को नमन। प्रिय मित्रों, मध्य प्रदेश के गठन से पहले यह भारत का प्राचीनतम भूखंड रहा है। इसकी नर्मदा घाटी के आंचल में अनेक सभ्यताएं एवं संस्कृति पुष्पित एवं पल्लवित हुई है। यहाँ की भूमि विंध्याचल सतपुरा के विशाल पर्वत एवं मनोरम वनों से आच्छादित है। प्रमाणित भी हुआ है कि यहाँ श्री राम ने अपने वनवास का कुछ समय बिताया। यह भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने सांदीपति आश्रम में शिक्षा पाई एवं पांडवों ने यहाँ अपना अज्ञातवास गुजारा। प्राचीन काल के मशहूर संगीतकार व साहित्यकार कालिदास बाणभट्ट का गौरवशाली इतिहास रहा है। धन्यवाद। क्षिप्रा में अमृत घट जल का मिला कृष्ण को ध्यान महाभार को तिलक लगाने को पूरी तरह प्रमाणित करता है। भारत में सबसे पुराने गुफा संग्रहालयों में से एक भीम बेटका में कितनी गुफाएं? 600 गुफाएं। महान लोगों का जन्म इसी स्थान पर हुआ है। भारतीय सांस्कृतिक संगीत का समृद्ध इतिहास रहा है। भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला कहाँ रही है? अभी किसी ने बोला था कहाँ है भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला? अभी इसी स्टेज पे कार्तिक ने बताया। कौन सा आश्रम है? सांदीपनी आश्रम और जंगल बुक से कनेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ के कुछ स्वतंत्रता सेनानी जिनके नाम आप जानते हैं, पर हम बता दें कि मध्य प्रदेश में जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद, रविशंकर सुख, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, रानी भगवत अवसीबाई और टाटिया भील और झलकारी बाई, ये सभी मध्य प्रदेश से ही रहे हैं। मध्य प्रदेश की
स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।